हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? स्वागत है गाइज आपका आज की टिप्स एंड ट्रिक वीडियो के अंदर। सो गाइज, आज की जो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि गाइज आज हम लोग बात करेंगे बेस्ट सेंसिटिविटी प्रो सेंसिटिविटी सेटिंग के बारे में। आप सभी को पता है गाइज, फ्री फायर यहाँ पे हमें अपडेट देती है, जो कि गाइज बहुत ही अच्छी बात है। हमारी गेम प्ले वाइज ओपी लेवल की चेंजिंग करने के लिए यहाँ पे गरीना फ्री फायर क्या करती है गाइज, एक बढ़िया सा अपडेट दे देती है। तो गाइज आपको पता होगा कि हमारी अपडेट के बाद यहाँ पे हमारी सेंसिटिविटी सेटिंग में जो कि बहुत ही ज़्यादा चेंज आ जाता है, जिसकी वजह से गाइज हमारी जो है वन टैप हेडशॉट या फास्ट मूवमेंट जो है वो थोड़ी बहुत चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से गाइज क्या होता है आपकी गेम प्ले में थोड़ा बहुत चेंज आ जाता है। लेकिन गाइज आज की जो वीडियो है उसमें गाइज मैं आपको बताऊंगा कि आफ्टर अपडेट के बाद गाइज आपको अपनी सेंसिटिविटी कैसी रखनी है, और गाइज आपको सेंसिटिविटी के साथ साथ यहाँ पे आपकी गेम प्ले में सुधार कैसे होगा गाइज, वो भी मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। तो गाइज आपको पता होना चाहिए जो मैंने गाइज आज सेंसिटिविटी लाई है वो गाइज बहुत ही बड़े बड़े यूट्यूबर लाइक रायस्टार, ज्ञान गेमिंग, देसी गेमर, अज्जू भाई, गाइज टोटल गेमिंग जैसे गाइज जो बंदे हैं वो यूज़ करते हैं, अपनी गेम प्ले में अप्लाई करते हैं, जिनकी वजह से क्या होता है गाइज उनका यहाँ पे वन टैप हेडशॉट के साथ साथ फास्ट मूवमेंट भी इंक्रीज होती है। सो गाइज वीडियो के साथ पूरा एंड तक बने रहना, क्योंकि गाइज ऐसी वीडियो में टिप्स एंड ट्रिक यहाँ पे आपको देता रहता हूँ। इसी वजह से गाइज चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और साथ में बेल के आइकन को भी कर देना गाइज ऑल पे सेट। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को पता है, सेंसिटिविटी सेटिंग जो हमारे गाइस कंट्रोलर होते हैं, हमारी डिस्प्ले होती है, जो हमारा गाइस फायर बटन होता है, जो हमारा रेट का फायर रहता है गाइस, उसमें बहुत ही ओपी लेवल की चेंजिंग लाती है। आप सभी को पता होना चाहिए गाइस, जब तक आपकी सेंसिटिविटी सेटिंग यहाँ पे बढ़िया नहीं होगी, अगर गाइस सेंसिटिविटी सेटिंग जो है वो अलग अलग प्रकार से होगी गाइस, बढ़िया तरीके से यहाँ पे सेट नहीं होगी, तो आप जितनी भी कोशिश कर लो यहाँ पे आपके गाइस ना ही वन टैप लगेगा, ना ही गाइस आपका यहाँ पे बढ़िया तरीके से फायर होगा, जिसकी वजह से गाइस आप एनिमी को डाउन नहीं कर पाओगे। तो गाइस टेंशन लेने की कोई बात नहीं, क्योंकि गाइस जो आज मैं आपको सेंसिटिविटी बता रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, पूरे ध्यान के साथ देखना गाइस, क्योंकि अब जो आपको ये सेंसिटिविटी के बाद आप लोग गाइस यहाँ पे अपनी गेम प्ले को चेक करोगे ना, तो बहुत ही ओपी लेवल की चेंजिंग आने वाली है। तो गाइस चलिए फिर चलते हैं हम अपनी सेंसिटिविटी स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप लोग चेक कर सकते हो, जो सेंसिटिविटी सेटिंग रहती है गाइज उसमें हमें यहाँ पे 6 प्रकार की सेंसिटिविटी देखने को मिल जाती है, जिसमें रहता है गाइज जर्नल, रेड डॉट, 2x, 4x, स्नाइपर और फ्री लॉक। तो गाइज सबसे पहले अगर बात की जाए जर्नल सेटिंग की, सेंसिटिविटी की, तो आप सभी को पता है गाइज बहुत से यूज़र क्या करते हैं, उनको उसको हाई रखते हैं, ठीक है। तो अपडेट से पहले क्या था गाइज, ये हाई पे बहुत ही बढ़िया चलता था, लेकिन गाइज अब आफ्टर अपडेट के बाद जो हमारी यहाँ पे सेंसिटिविटी हो गई वो बहुत ही हाई हो गई है, जिसकी वजह से गाइज इसे हमें कम करके 90 पर रख देना है। तो गाइज मैं आपको बता दूँ, इसे आप 90 पर स्विच कर दो, और गाइज सेकेंड पर आप लोग देख सकते हो रेड डॉट की जो सेंसिटिविटी रहती है हमें उसमें क्या चेंजिंग लाने हैं। तो गाइज रेड डॉट की सेंसिटिविटी भी आपकी लगभग हाई ही रहती होगी, तो गाइज उसको भी आपको थोड़ा बहुत कम कर देना है, और उसको लगभग यहाँ पे 80 के करीब गाइज आपको ले आना है। तीसरी गाइज जो हमारी 2x रहती है, गाइज 2x को भी आपको थोड़ा सा कम करके गाइज इसको कितना कर देना है, 60 कर देना है, ठीक है। आप यहाँ पे 60 कर दो गाइज, इसको 60 पे स्विच कर दोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइज ये 2x और 4x का जो गाइज स्कोप का यहाँ पे यूज करते हैं। और गाइज अगर बात की जाए 4x की, तो 4x स्कोप की सेंसिटिविटी भी आपको लगभग 60 ही रखनी है, 60 के आसपास ही रखनी है गाइज, 70 से मतलब 65 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 60 से कम नहीं होनी चाहिए। और ये बात की जाए स्नाइपर की, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है स्नाइपर का, स्नाइपर यूज़ करने वालों के लिए। तो गाइज मैं उनको बता दूं, आपको स्नाइपर की सेंसिटिविटी थोड़ी सी हाई करके यहाँ पे गाइज इसको 30 पर स्विच कर देना है। सो गाइज ये स्नाइपर की जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी, आपको इसे 30 रखना है। और गाइज बात की जाए फ्री लॉक की, तो जो गाइज फ्री लॉक यूज़ करते हैं उनको क्या करना है गाइज, इसको थोड़ा बहुत बढ़ा के यहाँ पे गाइज इसको आपको क्या करना है, 80 तक इसको ले आना है, ठीक है। फ्री लॉक भी गाइज यहाँ पे आपको 80 ले आना है। तो गाइज ये जो आप यहाँ पे भी सेंसिटिविटी देख रहे हो ना, ये गाइज ओपी लेवल की सेंसिटिविटी है, जो मैक्सिमम यूट्यूबर गाइज रायस्टार, ज्ञान गेमिंग वगैरह इसी सेंसिटिविटी का यूज़ करके अपनी गेम प्ले को गाइज शुरू करते हैं। सो गाइज यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी कर लो, लेकिन इस प्रकार की जो है सेंसिटिविटी जो है अपनी गेम में अप्लाई कर दो, जिससे क्या होगा आपकी गेम प्ले में गाइज बढ़िया लेवल की चेंजिंग आने वाली है। और उसके बाद आपको क्या करना है गाइज, यहाँ पे अपनी गेम प्ले में गाइज थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी है सेंसिटिविटी में गाइज, अब खुद को आदत डालनी है, उसकी वजह से क्या होगा यहाँ पे आपकी गेम प्ले में बढ़िया तरीके से सुधार आने वाला, और आप यहाँ पे हर एक मैच को जो है विक्ट्री करने वाले हो। सो यार बताओ कमेंट करके वीडियो आपको कैसी लगी गाइस, सेंसिटिविटी सेटिंग आपको कैसी लगी, इसको अप्लाई जरूर करना, और आई होप यार मेरी वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। सो यार हेल्पफुल लगी है तो यार एक प्यारा सा कमेंट कर दो, और यार चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, और हाँ यार घंटा भी जरूर बजा देना, ताकि गाइज और जो नोटिफिकेशन रहेगी वो आप तक जल्द ही जल्द पहुँच जाए और आपकी गेम प्ले में गाइज ओपी लेवल की चेंजिंग आ जाए। तो फिर यार थैंक यू फॉर वॉचिंग, अब के लिए इतना ही, मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में।